अस्सलाम वालेकुम क्लास 5, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम्स. टुडे इज़ अवर 11th लेक्चर ऑफ साइंस एंड वी हैव कम्प्लीटेड आवर सेकेंड चैप्टर. नाउ वी विल डू इट्स एक्सरसाइज एंड कॉन्सेप्ट चेक. प्लान फॉर टुडे इज वी हैव टू डू पेज नंबर 17 ओनली कॉन्सेप्ट चेक विच आर टू बी डन ऑन कॉपी. पेज नंबर 18 ऑन बुक, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आर ऑन बुक एंड पेज नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो ऑन बुक. ओके, नाउ सब्जेक्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग दैम. हम लोगों को फ्रूट्स वेजिटेबल्स को खाने से पहले वॉश करना क्यों ज़रूरी है? तो क्या था हम लोगों का आइडिया, आपको है कि जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं जो हवा में प्रेजेंट होते हैं या उसके अलावा फ्लाई आ जाती हैं, हाउस फ्लाइज हैं, बीज हैं, वो जब उड़कर आके उनके ऊपर बैठती हैं तो उनके ऊपर से जर्म्स उनमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं और अगर हम लोग एज इट इज़ वॉश के बगैर हम उसको खा लें तो वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं जो डिजीज कॉज कर जाते हैं. इसीलिए इट्स नेसेसरी टू वॉश द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग दैम. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज विच क्रिएचर्स कैरी जर्म्स ऑन देयर फीट एंड लाइक टू लैंड ऑन द फूड. अब कौन से क्रिएचर्स ऐसे हैं जो अपने फीट पे, पाँव पे जर्म्स लेकर आते हैं और वो लाइक टू लैंड ऑन फूड और वो फूड पे उनको ला के छोड़ते हैं, तो वो कौन से हैं? एज यू नो दैट फ्लाइज, हाउस फ्लाइज वही हैं जो उड़ती हैं, उड़ के आके हमारे खानों के ऊपर बैठ जाती हैं, उनके पाँव के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जर्म्स लगे होते हैं जो वो खाने के ऊपर छोड़ के चली जाती हैं. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेथड्स यूज टू प्रिजर्व फूड. हमें फूड प्रिजर्व करने के लिए, सेव करके रखने के लिए, अपने बाद के इस्तेमाल के लिए तो हम लोग रखते हैं, उसके कौन कौन से मेथड्स हैं या उसको कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज फ्रीजिंग. हम लोग फूड को फ्रीज कर सकते हैं, यानी कि हम लोग अक्सर आप देखते हो चिकन मंगवा के हम फ्रीज कर लेते हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको यूज़ कर लेंगे. इसी तरह से डिफरेंट हम लोग जो हैं फ्राइड आइटम्स जिसमें आ जाते हैं, रोल्स हैं, कबाब हैं, उनको हम लोग बना के फ्रीज कर लेते हैं कि जब ज़रूरत पड़े फ़ौरन से हम लोग उसको यूज़ कर सकें. अगर हम उसको फ्रीज नहीं करेंगे तो वो तो ख़राब हो जाएगी ना. इसी तरह से फर्स्ट मेथड हो गया फ्रीजिंग. सेकेंड है स्टरलाइजेशन, जो कि हम लोग मिल्क के लिए भी करते हैं कि हम लोग उसको पहले स्टरलाइज करते हैं सेव करने के लिए उसको, कि वो उसके अंदर से जर्म्स जो हैं वो मर जाएं. तो क्या करते हैं हम उसको थोड़ी देर हीटअप करते हैं, बाद में उसको यूज़ करते हैं. थर्ड इज़ पास्चराइजेशन. पास्चराइजेशन में क्या था कि हम लोग एक लिमिट तक हीटअप करते हैं उस चीज़ को, लिक्विड को, ताकि उसके अंदर से जर्म्स मर जाएं, राइट. हम इसके अलावा जो हैं सील्ड कैंस के अंदर भी फूड होते हैं ताकि एयर का कांटेक्ट उससे ख़त्म हो जाए और वो फूड जो है वो सेफ रहे हमारे लिए. व्हाट शुड वी ऑलवेज डू बिफोर हैंडलिंग और ईटिंग फूड. अब हमें ये बताएं कि अब खाना पकड़ने से या खाने से पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए. वी शुड वॉश अवर हैंड्स. ओके, आप लोगों को सारे खाना खाने से पहले हम लोग हाथ धोते हैं ताकि जो हमारे हाथों पर जर्म्स हैं वो ख़त्म हो जाए, पानी के थ्रू चले जाएं और उसके बाद हम सेफली खाना अपना खा सकें, राइट. नेक्स्ट कम टू द एक्सरसाइज क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ ऑन पेज नंबर 18. फर्स्ट इज चूज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेज टू कीप फूड फ्री फ्रॉम द जर्म्स. अब हमारे पास कौन सा ऐसा वे है जिसके थ्रू हम लोग अपने फूड को जर्म्स से फ्री रख सकते हैं, तो वो हमारे पास फर्स्ट फ्रीजिंग भी है, स्टरलाइजिंग भी है, कुकिंग भी है कि हम खाना पका के उसको रख लें. तो हमारे पास इसकी ऑप्शन क्या बनेगी? ऑप्शन डी. डी ऑप्शन इज अवर आंसर. नाउ सेकंड इज व्हाट डू फ्लाइज पुट ऑन फूड सो दे कैन ईट इट. फ्लाइज जो हैं वो क्या चीज आके खाने के ऊपर छोड़ती हैं ताकि वो उसको खा सकें? तो सॉस. क्या फ्लाइज सॉस देती हैं? नो. टीयर्स. क्या वो आके उसके ऊपर खाने के ऊपर रोना शुरू कर देती हैं कि उनके आंसू उसके ऊपर गिरे? बिल्कुल भी नहीं. वाटर. क्या वो पानी ऊपर छिड़कती हैं आके? नो. तो देन सलाइवा, यानी कि जो उनके माउथ में वाटर होता है वो क्या करती हैं? वो आके उसके ऊपर लगा देती हैं अपने फीट के थ्रू. फिर थर्ड इज बैक्टीरिया आर यूज टू प्रिपेयर व्हाट. बैक्टीरिया को हम लोग क्या चीज़ बनाने में इस्तेमाल करते हैं? ब्रेड बनाने में करते हैं. राइस करने में हम लोग क्या यीस्ट यूज़ करते थे ब्रेड बनाने में. मिल्क बनाने में हम लोग बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं? नो.
एंटीबायोटिक्स बनाने में? नो, योर आंसर इज योगर्ट. योगर्ट इज अवर आंसर. फोर्थ इज विच टाइप्स ऑफ जर्म्स कॉज निमोनिया. अब कौन से जर्म्स ऐसे हैं जो निमोनिया को कॉज करते हैं? वायरसेस? नो. फंजाई? नो. बैक्टीरिया? यस. तो हमारे पास जो वायरस निमोनिया कॉज करे हैं वो बैक्टीरिया कॉज करता है. फिफ्थ इज मिल्क इज पास्टराइज्ड एट द टेम्परेचर ऑफ डैश. किस टेम्परेचर पे हम लोग मिल्क को पास्टराइज करते हैं? एक मैक्सिमम हीटअप करने के लिए, कि उसको थोड़ी देर गर्म करें हम लोग और उसके अंदर से जर्म्स जो हैं वो किल हो जाएं. तो कौन सा किसका टेम्परेचर होता है वो हमारे पास? दैट इज 60 degrees Celsius. राइट, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. फिल इन द ब्लैंक्स. फूड पैक्ड इन अ फैक्ट्री कंटेन व्हाट. जो फूड हम लोगों को फैक्ट्री से पैक हुआ हुआ मिलता है उसके अंदर क्या होते हैं? दैट हैज प्रिजर्वेटिव्स. वो होते हैं जो उस फूड को एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक सेफ रखते हैं, ईट जो हम खा सकते हैं. सेकेंड इज मिल्क कैन बी प्रिजर्व बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डैश. हम लोग मिल्क को किस प्रोसेस के थ्रू प्रिजर्व कर सकते हैं? दैट इज पास्चराइजेशन. एक लिमिटेड टाइम जो टेम्परेचर है उसके ऊपर हम उसको हीटअप करते हैं मिल्क को और उसके अंदर से जर्म्स को किल कर देते हैं. तो हमारे पास जो वो जर्म्स किल होने के बाद मिल्क हमारे लिए सेफ रहता है. थर्ड इज लिविंग थिंग्स विच आर मेड ऑफ वन सेल. अब हमने फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 का जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से थे? वो ऑर्गेनिजम्स जो कि वन सेल से मिलकर बनते हैं. तो हमारे पास इसका आंसर क्या है? यूनिसेलुलर. फोर्थ इज अ यूजफुल टाइप ऑफ डैश इज यूज इन मेकिंग योगर्ट. अब योगर्ट बनाने में डैश की एक यूजफुल टाइप यूज होती है. वायरसेस? नो, दैट इज बैक्टीरिया. बैक्टीरिया को हम लोग यूज करते हैं योगर्ट बनाने के लिए. फिफ्थ वन इज अ मशरूम इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एडिबल डैश. मशरूम किसकी एग्जाम्पल है जो हम खा सकते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस. दैट इज फंजाई. हम लोग फंजाई की एक टाइप है मशरूम जिसको हम खा सकते हैं, लेकिन हर तरह की मशरूम हम नहीं खा सकते हैं क्योंकि कुछ जो हैं वो हार्मफुल होती हैं, पॉइजनस होती हैं, जिससे डेथ भी कॉज हो जाती है. राइट, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. ट्रू फॉल्स. इन्फेक्शंस कैन नॉट बी कॉज बाय स्मॉल वॉर्म्स. जो इन्फेक्शंस हैं वो स्मॉल वॉर्म्स के थ्रू नहीं कॉज होती. फॉल्स. जर्म्स आर किल्ड बाय पास्टराइजेशन. जो जर्म्स हैं क्या हम उसको पास्टराइजेशन के प्रोसेस के थ्रू किल कर सकते हैं? यस, ट्रू. फर्स्ट वन इज फॉल्स, सेकेंड वन इज ट्रू. इन्फ्लुएंजा इज कॉज बाय वायरस. क्या इन्फ्लुएंजा जो है वो वायरस के थ्रू कॉज करता है? ट्रू. ऑल काइंड ऑफ बैक्टीरिया आर हार्मफुल. क्या हर तरह का बैक्टीरिया जो है, हर किस्म का वो हमारे लिए हार्मफुल होता है? नो, दैट इज फॉल्स. द बॉडी गेट्स वाइटामिन डी फ्रॉम सनलाइट. क्या बॉडी को वाइटामिन डी सनलाइट से मिलता है? यस, ट्रू. तो हमारे पास क्या है? नंबर वन इज फॉल्स, सेकेंड एंड थर्ड आर ट्रू, फोर्थ इज फॉल्स एंड फिफ्थ वन इज ट्रू. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 ऑन पेज नंबर 19. फाइंड आउट ऑड वन आउट. गिव अ रीजन फॉर योर सिलेक्शन. अब आपके पास 4 हैं ग्रुप्स जिसके अंदर से हमारे पास एक जो है वो ऑड है और उसकी रीजन भी आपने लिखनी है. तो विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन एस. हमारे पास ये 5 विटामिन उन्होंने आपको दे दिए. अब इसमें से हमने ऑड वन को निकालना है बाहर. तो आप इसको सर्कल करोगे ऑड वन को और उसके बाद उसकी रीजन दोगे कि क्यों ये ऑड है. तो विटामिन एस इज ऑड, यू हैव टू सर्कल इट एंड राइट इट्स रीजन दैट विटामिन एस इज नॉट अ विटामिन, इट्स सैलिसाइक्लिक एसिड. अंडरस्टैंड? गुड. सेकेंड इज वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, प्रोटीन एंड बैक्टीरिया. अब आपके पास 5 आ गए नेम्स जिसके अंदर ये किन के नाम है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम है. यस. अब इसके अंदर हमारे पास देखें तो वायरस तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंजाई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोआ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन प्रोटीन्स जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है. ये एक मॉलिक्यूल है जो हमारे फूड्स में प्रेजेंट होता है, जो हमें चाहिए जरूरी. थर्ड वन इज फ्लाई, टॉर्टोइस, मॉस्किटो, फ्ली एंड सैंड फ्लाई. अब हमारे पास इसमें क्या ऑड है कि मॉस्किटो, फ्लाई, फ्ली एंड सैंड फ्लाई ये सारे तो इंसेक्ट्स हैं,
लेकिन टॉर्टॉइज जो है वो हमारे पास रेप्टाइल है, तो इसको हम सर्कल करेंगे और इसकी रीजन देंगे कि टॉर्टॉइज इज नॉट एन इंसेक्ट, इट्स अ रेप्टाइल. वेरी गुड. फोर्थ वन इज डायरिया, ट्यूबरक्यूलोसिस, मीजल्स, मलेरिया एंड हेडेक. डायरिया भी आपके पास, आपको पता है, एक डिजीज है. ट्यूबरक्यूलोसिस भी आपके पास है डिजीज हमारे लंग्स की. मीजल्स भी डिजीज है, मलेरिया भी एक डिजीज है, लेकिन जो हेडेक है वो टेम्परेरी एलिमेंट है. ठीक है, तो इसकी हमारे पास रीजन क्या है? हेडेक इज नॉट अ डिजीज, इट्स जस्ट एन एलिमेंट. वेरी गुड. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी. थैंक यू.